कृषि के तीनों अध्यादेशों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अंबाला जिला उपायुक्त के कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना दे रहे किसानों को आज पांचवा दिन हो गया, लेकिन किसी भी नेता ने उनकी सुध नहीं ली, जिसके चलते किसान आगामी 20 सितंबर को सांकेतिक रोड जाम करने जा रहे हैं। अंबाला जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दे रहे किसानों को आज पांचवा दिन हो गया, लेकिन अभी तक सरकार के कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंची, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिला उप प्रधान गुलाब सिंह ने कहा कि जब तक सरकार किसान विरोधी अध्यादेशों को वापस नहीं लेती, सरकार के खिलाफ किसान आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 20 सितंबर को हम अंबाला नारायणगढ़ नेशनल हाईवे को 12 बजे से 3 बजे तक जाम करेंगे। वहीं उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज द्वारा दिए गए बयान की कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ की कड़ी निंदा की और कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि जिम्मेदाराना पद पर होते हुए भी अनिल विज इस तरह के बयान देने से बाज नहीं आ रहे। गुलाब सिंह जी, क्या रणनीति रहेगी? आज पांचवा दिन शुरू हो चुका है, क्या उसके बारे में? आज हमारा ये डीसी दफ्तर में पांचवा दिन है। कल को 12 से 3 बजे सकेतिक रोड जाम की प्लानिंग है हमारी, जो बलदेव नगर टू नारायणगढ़ रोड जाती है उस पर रोड जाम करेंगे। ये रोड जाम एक सांकेतिक रोड जाम है, अगर इसके बाद भी सरकार बाज ना आई, ये काले कानून वापस ना लिए, तो इसके बाद हर बार की लड़ाई की तैयारी की जाएगी, या तो फिर सरकार नहीं या फिर किसान नहीं। जी, अंबाला जिले के अंदर कौन कौन से नेशनल हाईवे जो हैं वो जाम किए जाएंगे? कल तो सिर्फ ये नारायणगढ़ रोड ही जाम करने की प्लानिंग है जी, तो इसके बाद फिर सारी स्टेट वाइज हाईवे चुने जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे जाम लगाना है जी। यही होगी कि एक ही जगह हाईवे जाम किया जाए ताकि उसमें हम पूरी तरह सक्सेस मिल सके। जी, ये बताएं कि गृह मंत्री अनिल विज जो है अभी भी अपने बयान पर टिके हुए हैं, उनका कहना है कि अभी भी लाठी चार्ज नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखो, अनिल विज हमारी बात समझ में नहीं आती, एक जिम्मेदार पद पर रहते जो गृह मंत्री होता है NS2 CM होता है, इसी अपनी पद की मर्यादा को ये भूल गया, इतना पूरा झूठ बोल रहा है तो कोई मानने वाली ही बात नहीं है। सारी दुनिया को पता है, सारे देश को पता है, सारे मीडिया को पता है, सारे चैनलों को पता है कि 10 तारीख को पिपली में सैकड़ों किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, 80-80 साल के बुजुर्ग नहीं बख्शे गए, लोगों के सिर फोड़ दिए गए, टांगे तोड़ दी गई, और फिर भी इसको अभी तक दिखाई नहीं दिया, ये तो बड़ी ही विडम्बना की बात है और दुख की बात है।